सब्सक्राइब कीजिए आवर एक्सेसिबल वर्ल्ड चैनल को और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आवर एक्सेसिबल वर्ल्ड में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एज के बहुत सारे फीचर्स देखे, तो आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कार्ड्स में और डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट एज के एक और अमेजिंग फीचर के बारे में जानेंगे। आपने देखा ही होगा कहीं गूगल क्रोम में कि आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं इंग्लिश में और उसे हम हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन एज में आप जब हिंदी की साइट ओपन करते हैं तब तो आपको वहाँ पर सुनाई देता है कि ट्रांसलेट ऑप्शन अवेलेबल बॉटम ऑफ स्क्रीन, लेकिन आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट आप इंग्लिश से हिंदी में चाहते हैं ट्रांसलेट करना कोई साइट को तो आप नहीं कर पाते। तो वो कैसे करना है, उसकी सेटिंग कैसे करनी है कि आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने का ऑप्शन दे, ना कि हिंदी से इंग्लिश। हाँ, इसमें एक लिमिटेशन है गूगल क्रोम की तरह नहीं है इसमें। गूगल क्रोम में हम हिंदी टू इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश टू हिंदी दोनों ऑप्शन को के लिए ऑप्शन रख सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज में लिमिटेशन है कि यहाँ पर आप एक ही लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेट सेट कर सकते हैं कि वही लैंग्वेज के लिए आपको ट्रांसलेट करने का ऑप्शन देगा। तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है हिंदी या अदर भाषा के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, लेकिन हमें कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए ऑप्शन लेना है ये आज हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ अंत तक। तो मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं आवर एक्सेसिबल वर्ल्ड टू प्रमोट एक्सेसिबिलिटी। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मुख्य खबरें, मैं एक न्यूज पे चला जाता हूँ। होम स्क्रीन को मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कैसे, मैं यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही हूँ। तो नहीं देखी है वो वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं। अभी मैं होम स्क्रीन पर किसी न्यूज़ को ओपन करता हूँ और मैंने जो है न्यूज़ की लैंग्वेज हिंदी कर रखी है, जैसे कि आप सुन सकते हैं। मुख्य खबरें, संचालक कैसे करनी है ये भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में। हिमाचल में इस बार तय समय पर पहुंचेगा मॉनसून, जाने कब से लगेगी सावन की झड़ी। हिमाचल में इस बार तय समय पर पहुंचेगा मॉनसून, जाने कब से लगेगी सावन की झड़ी। इस न्यूज़ पे क्लिक करता हूँ। हिंदी आप ध्यान से, इस बार तय समय पर एक मिनट, मैंने इसको बंद कर दिया बोलने से। तो इसमें क्लिक करूंगा तो आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा ये क्या बोलेगा। और उसकी अगर मैं इंग्लिश की न्यूज़ पे क्लिक करता हूँ इंस्टा इसके इसकी बजाय, तो वह क्या बोलता है, तो ये फ़र्क आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं ट्रांसलेट के ऑप्शन, जो आपको इंग्लिश में नहीं मिलेंगे। लेकिन हमें क्या रहता है, ज़्यादातर जो हम हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, हमें कई बार रहता है कि इंग्लिश में हम कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाए ताकि हम उसको हिमाचल में इस बार ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। तो माइक्रोसॉफ्ट एज हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का फीचर दे रहा है, तो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने का भी फीचर देता है। तो कैसे उसका यूज़ करना है वो हम देखेंगे। अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। Microsoft News, column web view, 5% progress bar, 80%. हिमाचल में इस बार तय समय पर पहुंचेगा मॉनसून, जाने कब। Button, page loaded. Button, translate Hindi to. देखो. More options for translation. Button. बोला ये translate Hindi to English. और ये आपको bottom में मिलेंगे option. Bottom to English. Button. ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं ना यहाँ पे आप मोर ऑप्शन फॉर ट्रांसलेशन। तो हम एक बार इस पर क्लिक कर लेते हैं। More languages, item 1 of always translate pages in Hindi to English, item 2 of 5, 2 of never translate pages in Hindi to English, item 3 of 5, never translate the site, item 4 of page is not in Hindi, item 5, tab to stop out, page is not in, never try, never, always try. More languages, item 1 of 5, 1 of
Always never translate pages in Hindi to English. Item 3 of 5. 3 of 5. Always translate pages in Hindi to English. Item 2 of 5. 2 of 5. तो ये ऑप्शन है. Always translate pages Hindi to English. More language है यहाँ पर. English. All languages. Afrikaans. Item. Albanian. Item. तो आप किसमें किस translate करना है उसमें? All languages. Item 1 of 5. 1 of 5. तो हमें ये translate नहीं करना है. Always translate pages in Hindi to English. Item 2 of 5. Edge. More options for translate. Close button. तो translate option को close करते हैं. हिमाचल में इस बार तय समय पर पहुंचेगा मॉनसून, जाने। और अभी मैं इस साइट को क्लोज कर रहा हूं। Wait, search for type web address. Edit. Start camera site. Start. Top sites. Hands-on with Microsoft Edge's new built-in VPN feature. Top site 107. तो ये पहली साइट है जिसमें एक आर्टिकल है इंग्लिश में और उसकी जानकारी है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एज में न्यू VPN फीचर आया है। 5% प्रोग्रेस बार. Web 70%. Hands-on with Microsoft Edge's new built-in VPN feature. Corner web view. तो ये ओपन हो गया. देखो इसमें नहीं है नीचे कुछ भी. Bottom toolbar heading. Microsoft Edge. ना ही कुछ से बोला कुछ. Edge's secure network is powered by Cloudflare, one of the most trusted DNS hosts in the industry, and it aims to protect your device and sensitive data as you browse. The feature is in the early stage of development. तो Microsoft Edge की जो setting रहती है कि वो हिंदी to English translate आप कर सकते हैं, लेकिन English to Hindi नहीं कर सकते. अगर हम चाहते हैं कि इंग्लिश टू हिंदी हम ट्रांसलेट कर सकें, हिंदी टू इंग्लिश चाहे ना भी हो, तो उसके लिए हम एक सेटिंग हमें करनी होगी. तो मैं चलता हूँ सेटिंग में. और सेटिंग में आपको पता है कैसे जाना है. बॉटम राइट कॉर्नर पे शेयर का ऑप्शन है, उसके बगल में है, उससे पहले लेफ्ट साइड में कितने टैब ओपन है ये वाला ऑप्शन है. ब्राउजर मेन्यू तीसरा ऑप्शन है, तो इस पे जाना है. Favorites, item 1 of 5. तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन टैब खुल जाते हैं. History, item 2 of 5. Collections, item 3. Downloads, item 4 of 5. Settings, item 5 of 5. तो इस पर जाना है हमें. सेटिंग. ब्राउजर मेन्यू. सेटिंग्स. नाउ सेटिंग्स. अकाउंट हेडिंग इन लिस्ट. आकाश वर्क और स्कूल. ये आकाश स्विच बटन. सेटिंग्स हेडिंग प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी बटन. तो यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. फॉन्ट साइज बटन. फॉन्ट साइज बटन. जर्नल. तो हमें जाना है जर्नल में. जनरल नेविगेट अप. जनरल बटन. सर्च इन लिस्ट बटन. सिलेक्ट सर्च इंजन बिंग बटन. माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेट ऑन. तो ये है माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेशन ऑन. तो इसे हम ऑफ भी कर सकते हैं और इसकी सेटिंग भी देख सकते हैं यहां से. इसमें क्लिक करते हैं. माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर नेविगेट अप बटन. माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर ट्रांसलेट पेजेस ऑफर टू ट्रांसलेट पेजेस टू अदर्स ऑन. स्विच इन लिस्ट. ऑफर ट्रांसलेट पेजेस टू अदर ऑन. व्हेन दिस इज डन ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज विल ट्रांसलेट पेजेस इन अदर लैंग्वेजेस. Preferred language order. Heading. English. United Kingdom. Never translate. English. United States. Never translate. तो ये ऑप्शन है हिंदी इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम नेवर ट्रांसलेट सेलेक्ट है, इसलिए वो ट्रांसलेट के फीचर हमें नहीं देता है. यूनाइटेड स्टेट में भी नहीं English, देता है. Never translate. इंग्लिश में भी नहीं देता. Add language. Websites will appear in the first language in the list that they support. Add language का ऑप्शन है, तो हम English पे क्लिक करते हैं. Settings. Settings. Not ticked. Ticked. Radio button. Never translate. Not ticked. Radio button. Offer to translate. तो इसको हम करते हैं over. Microsoft Translator. English. Never translate. In list. English. United States. English. Never translate. Add language. तो add language करते हैं. Add language. Search. Afrikaans. Afrikaans. यहाँ पर हमें हिंदी add करनी है, ठीक है? Search. Edit box. Y. Age. Age. U. Y. I. I. J. N. N. H. G. C. X. X A Z Zoom S X F X Z S D D Hindi. Tap to stop. Hindi. Hindi हमें मिल गया. Keyboard button. Microsoft Trans websites. Microsoft Edge is displayed in the preferred languages of your system. You can change this in system preferences, common language and region. Tap to stop. Out of list. Window. Microsoft websites. Add language. Hindi never translate. तो Hindi add हो गया. Hindi never translate. English never translate. English never translate. English United States never translate. English United Kingdom never translate. These सारे option never translate हैं, लेकिन हमें never translate. English को translate settings, करना है. Navigate settings not ticked. Radio button offer to translate. In list ticked. Radio button never translate. Remove button not ticked. Radio button offer to translate. Checked ticked. Microsoft Translator navigate up button. In add language Hindi never translate. English offer to translate. तो English में हमें offer to translate select कर दिया. हम यहाँ पर दो language के लिए नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखिएगा. हमने इंग्लिश के लिए सेलेक्ट कर दिया, देखिए हम हिंदी के लिए यहाँ सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे. Out of list. Settings. Not ticked. Radio button. Offer to translate. मैं इस पे टिक करता हूँ. Microsoft Translate. Add language. Hindi. Never translate. तो नहीं होता है.
टिक बोलता जरूर है लेकिन वो होता नहीं है, एक के लिए ही हम कर सकते हैं। English, United States, offer to translate. तो यहाँ पर इंग्लिश की तीन शो हो रही हैं, यहाँ मैं रिमूव भी कर सकते हैं जैसे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट पे मैंने क्लिक किया। button, offer to translate. Not it. Radio button, never translate. Remove button. तो बाय डिफॉल्ट ऑफर टू ट्रांसलेट इंग्लिश की तीनों सेलेक्ट हो गई हैं। आप चाहे तो इन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। Microsoft translate. When this is turned on, Microsoft Edge will translate. Preferred language order. English. United Kingdom. Offer to translate. तो इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम को भी हम तो इंग्लिश हिंदी अब दो ही लैंग्वेज रह गई। तो हिंदी में एक बार और ट्राई करते हैं। नहीं होता है। तो एक ही लैंग्वेज के लिए होता है। इंग्लिश की तीनों लैंग्वेज इंग्लिश ही हैं तो इसलिए वो तीनों के लिए सिलेक्ट हो गया था बाय डिफॉल्ट। हमने एक के लिए सिलेक्ट किया लेकिन हिंदी अलग है तो इसके लिए वो सिलेक्ट नहीं होता है। एक ही के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं या हिंदी के लिए या इंग्लिश के लिए कि ऑफर टू ट्रांसलेट ऑप्शन वो फीचर दे यहाँ पे। हम बैक करते हैं। वेबसाइट्स विल अपीयर माइक्रोसॉफ्ट एज टैब टू स्टॉप आउट ऑफ लिस्ट विंडो टैब टू चेंज जनरल बटन साइट डिस्प्ले सेटिंग्स शो मोबाइल साइट एज डिफॉल्ट इन लिस्ट बटन शॉपिंग ऑन बटन माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेट ऑन बटन सिलेक्ट सर्च इंजन बिंग बटन सर्च सेटिंग्स यहां पर बैक करते हैं। आउट ऑफ लिस्ट एज क्लिक टॉप साइट 7 ऑफ 7 बटन डबल टैप एड अ साइट न्यूज़ एंड मोर माइक्रोसॉफ्ट न्यूज़ Corner web view. मुख्य खबरें संचालक सिलेक्ट व्यक्तिगत वेदर अपडेट्स इन राज्यों में अगले तीन दिनों तक होगी मूसलाधार बारिश, जाने आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम से। तो यहां पर क्लिक करते हैं Microsoft News. न्यूज़ पे Corner web view. हम देखते हैं प्रोग्रेस बार क्या बोलते हैं। पेज लोडेड मौसम कॉमनली हेल वेदर अपडेट्स अब देखो यहां पर नीचे आपको ट्रांसलेट के फीचर भी नहीं दिया और उसने बोला भी नहीं था और नीचे भी यहाँ पर ऑप्शन हमें दिखाई नहीं पड़ रही। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑफर टू ट्रांसलेट अब हिंदी के लिए नहीं है। अब आप चाह के भी हिंदी के साइट को ट्रांसलेट नहीं कर सकते, इंग्लिश की को कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बैक किया मैंने टॉप साइट्स स्टार्ट वॉइस अप टॉप हैंड्स ऑन विद माइक्रोसॉफ्ट एजेस न्यू बिल्ट इन वीपीएन फीचर टॉप साइट 1 ऑफ 7 तो फिर से इसी पे क्लिक Translate option button. Translate English to. देखो साइट लोड होने के बाद बोला ट्रांसलेट ऑप्शन ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी हिंदी बटन तो हिंदी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये साइट ट्रांसलेट हो जाएगी हिंदी में। Bottom toolbar heading. Go back button. We are trying again. Please wait. Go forward button. Disabled. Page loaded. हो गया हिंदी में। तो इंटरनेट का इश्यू या कोई और इश्यू होगा जिसके कारण वो थोड़ा सा टाइम लिया इसने ट्रांसलेट करने में। देखें 7:25 PM Set calling आई थिंक गूगल टेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एज के नए अंतर्निहित वीपीएन सुविधा टॉक बैक ऑफ इसको पढ़ नहीं पा रहा है। टॉक बैक ऑन एक्सेसिबिलिटी शॉर्ट रिटर्न टॉक बैक ऑन एज कर कॉलिंग हमें का पालन मुख्य अनुभाग कॉल हेडिंग 5 तो देखो ये अब बोलने लग गया डाउनलोड तो ये पूरी साइट जो है वो ट्रांसलेट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम जैसे कि आपने समझ लिया कि हम एक ही ट्रांसलेट फीचर रख सकते हैं या तो हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी। ये फीचर जो है वो गूगल क्रोम जो हम यूज़ करते हैं गूगल क्रोम में ट्रांसलेट उससे जो है वो थोड़ा मतलब गूगल ट्रांसलेट गूगल क्रोम में है ये वो बहुत पुराना फीचर है तो काफ़ी विकसित हो चुका है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज में ये फीचर ज़्यादा पुराना नहीं है अभी का ही है। तो धीरे धीरे जैसे ही हम लोग फीडबैक देंगे तो ये विकसित होगा। तो बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।